आप ब्लड टेस्ट करवाने जाओ, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी फ्राइडे को, दोबारा अपॉइंटमेंट कर ली, दोबारा जाओ इनके पास। क्या वेलकम टू न्यू व्लॉग। आ चुके हैं आज हम एक्सरसाइज करने दोबारा, सैटरडे संडे छुट्टी मारने के बाद। दो दिन की छुट्टी ली हमने क्योंकि सुबह जल्दी काम पे जाना था दोनों दिन इसीलिए। और ये वही बड़ा ग्राउंड है जिसमें हमें सौरभ भैया लेके आए थे एक दिन बैडमिंटन खेलने, तो उसके बाद से हम यहाँ पे आते हैं अब रनिंग करने और अपनी योगा करने। तो आज देख सकते हैं आप पीछे पूरे बादल दिखाई दे रहे होंगे आ रहे हैं, तो आज रात को भी बारिश आई है, मतलब कल रात को भी बारिश आई है, और ये देखो पूरा टेबल गीला पड़ा। और कल भी बारिश आई थी, आज भी बारिश आने वाली है, तो हम अपनी एक्सरसाइज करके फटाफट यहाँ पे रनिंग करके योगा करके चलते हैं घर। और आज हमने यूनिवर्सिटी भी जाना है, तो यूनिवर्सिटी भी जाएंगे वहाँ पे मजे करेंगे। गाइस यार ये देखो आज भी यहाँ पे रेनबो निकला हुआ है बड़ा सा, और वो भी दो दो, एक ऊपर छोटा सा लाइट रंग का और ये बड़ा डार्क रंग का। क्योंकि ये देखो ये तो पूरे बदल है, यहाँ से किनमिन किनमिन बारिश आ रही है और वहाँ से सूरज निकल रहा है, बदल फूस हो गया। बारिश नहीं आई अच्छे से, देख सकते हो आप कितना डार्क रेनबो निकला हुआ है। और ये पार्क में अभी रनिंग कर रहा था, तो अभी मैंने रनिंग कंप्लीट करी थी अपनी, थोड़ी एक्सरसाइज कर रहा था, ये देखो कितना बड़ा रेनबो। तो देख सकते हो आप यहाँ पे भाई बहुत बढ़िया लग रहा है आज तो। अभी वीडियो बनाते हैं एक्सरसाइज करते हुए इसके साथ। आज कोशिश करेंगे, थोड़ा सा गंद था उसके लिए पॉलिथीन लेके आया मैं तो उठा सकें, तो करते हैं अभी अपना हैंड स्टैंड कम्प्लीट। ये देखो कचरे का पॉलिथीन भरा है यहाँ से, पूरा पूरे ग्राउंड में कचरा फैल रखा था इस साइड और अभी उस साइड रहता है, उस साइड कचरा, तो उस साइड से कल उठाएंगे, कल टाइम मिलेगा तो कल भी एक पॉलिथीन ले आएंगे। वैसे यहाँ पे आते हैं उठाने लेकिन पता नहीं क्यों नहीं उठाते इतना सारा कबाड़ा। बारिश तो दोबारा आने वाली है, थोड़ी थोड़ी बूंदें आ रही हैं, पीछे देखो ये पूरा बदल आ चुका है दोबारा, और हमने तो यूनिवर्सिटी जाना, यूनिवर्सिटी चलते हैं। ये देखो पीछे कागा बैठा हुआ। ये कागे भी सुबह सुबह सैर करते हैं यहाँ पे ग्राउंड में, चलते हैं, उड़ते हैं नहीं चलते हैं। तो पहुँच गए हम घर और ये गया सारा कचरा बिन में। हम घर पहुंच चुके हैं, बारिश आने की संभावनाएं 100%। और अभी हम अंदर देख रहा था कोई है तो नहीं अभी खड़ा हुआ, तो अभी हम जाके अंदर, अभी मैंने शूज उतारे हैं, जाके अंदर फटाफट तैयारी करते हैं, हमने निकलना है 1 घंटे में, 8 बजे यहाँ से घर से जाएंगे, 9 बजे यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाकर प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमने आज वैक्सीन भी लगवानी है इन्फ्लुएंजा, 1 साल बाद लगती है, 1 साल पहले लगवाई थी अब लगवानी है, 1 साल होने वाला मेरे को यहाँ पे। तो गाइस मैं हो चुका हूँ तैयार यूनिवर्सिटी जाने के लिए। तो फ्रेंड्स अब मैं पहुँच चुका हूँ स्टेशन पे और अब हम जाएंगे यहाँ से यूनिवर्सिटी, 1 घंटा 45 मिनट अप्रोक्सीमेट लगेंगे हमें यहाँ से जाने में। तो फ्रेंड्स अभी मैं हूँ बस में और यहाँ से हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने, हमने प्रैक्टिस करनी थी वो प्रैक्टिस कर ली, हम जैसे वैक्सीन लगवाने 5 मिनट रह गए बस। तो भाई यार वैक्सीन तो लगवा ली लेकिन अब एक और पंगा चल गया, इन्होंने कह दिया ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, तो इनके फंडे बहुत हैं यार क्या करें। आप ब्लड टेस्ट करवाने जाओ फिर उसकी रिपोर्ट आएगी फ्राइडे को, दोबारा अपॉइंटमेंट कर ली, दोबारा जाओ इनके पास। क्या यार
तो आज काफी उसके बाद आया हूँ मैं इस पे ब्रिज पे। ये देखो, ये है सिटी का ब्रिज, इसका नाम है गुडविल, गुडविल ब्रिज। यहाँ से जा रहा हूँ स्टेशन पे, स्टेशन से अगर घर पहुँच गया तो, अगर 3:30 बजे से पहले पहुँच गया तो हमारी लग जाएगी, तो हो जाएगा ब्लड टेस्ट, नहीं तो फिर कल होगा। देखो कैसे दौड़ रहा है हवा में, हवा भी चल रही है, बारिश भी आ रही है। ये रही सिटी, सामने हमारी यूनिवर्सिटी। गाइस यार यहाँ पे सिटी में बारिश आ गई है, सो वेलकम बैक होम। पहुंच चुके हैं हम दोबारा घर, 4 बज गए। अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट अंदर जाके, क्योंकि रोटी तो यूनिवर्सिटी में खा ली थी मैंने। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे। द नेक्स्ट डे, तो भाई आज हो चुका है ट्यूसडे और मैं उठा हूँ अब पूरे 13 घंटों बाद सो के उठा। मैं 5 बजे सोया था शाम को, क्योंकि यूनिवर्सिटी से आया था जब वैक्सीन लगवा के, तो उसके बाद मेरी नींद खुली थी 11 बजे थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद अब 5 बजे, 6 बज गए अभी भी, तो अब उठा हूँ मैं 6 बजे। तो पूरा सिर घूम रहा था मेरा। तो अब भी सुबह थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे आज। तो वेलकम टू नेक्स्ट डे, वेनसडे नहीं, ट्यूसडे। अभी भी देख कुछ भी बोल ही जा रहा हूँ मैं। आज ब्लड टेस्ट करवाने जाना है, कल मैं पहुँच ही नहीं पाया टाइम पे, तो अभी जाऊँगा ब्लड टेस्ट करवाने। तो गाइस मैं आ चुका था अब ये ब्लड टेस्ट करवाने के बाद। ये देखो कैसे दिखाऊँ, तो ये वो हमारा ब्लड टेस्ट, और इसके बाद आ चुका था मैं ये लेने, यहाँ पे सामान लेने, कोकोनट वाटर और थोड़ा सा हनी ले लिया हमने, शहद तो लेते हैं, कोकोनट वाटर। तो पहुँच गए घर और लेके आए सामान, ये एवोकाडोस एंड ये थोड़े से ओट्स और ये आटा, ये चीज़ें ख़त्म थी तो ले आए हैं सामान। अब सुबह सुबह 9 बज गए, अब 9 बजने वाले हैं, तो टारगेट रहेगा काम पे बैठेंगे आज 9:30 बजे तक। चलते हैं अभी घर के अंदर। तो सुबह सुबह अब हम पी रहे हैं कोकोनट वाटर। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 12:15, और अभी मैं कर रहा था अपनी स्टडी, तो अब मैं खा रहा हूँ ये एप्पल्स एंड कुकुम्बर, इसके बाद करेंगे लंच। गुड आफ्टरनून, तो अब हम खा रहे हैं अपना लंच, इसमें अभी अभी हमने बनाई है 2 रोटियां दाल वाली, तो खाते हैं अपना लंच। फ्रेंड्स अभी यहाँ देख सकते हो आप, बाहर कमरे में थोड़ा सा अंधेरा हो गया, लाइट आनी बंद हो गई है क्योंकि 6 बज चुके हैं, तो अभी हम चलते हैं बाहर, बाहर जाके करते हैं कुछ। कहाँ पे जाएं, पार्क में चलते हैं, मैं सोच रहा हूँ वहाँ, यहाँ पे बाहर बैठ जाएंगे, वहाँ पे थोड़े से लेक्चर सुन लेंगे, फिर उसके बाद अंदर आके कुछ 7 बजे से कुछ खा लेंगे, और फिर थोड़ी सी दोबारा कर लेंगे कोई काम, तो अभी चलते हैं बाहर। तो रात हो गई है भाई, तो हो चुकी है रात, चलते हैं अंदर, हवा चल रही है बाहर, तो
तो अभी अंदर चलते हैं। तो मैं अभी अभी नहा के आया और सुबह मुझे याद आया कि जाना है हमने यूनिवर्सिटी। तो सुबह यूनिवर्सिटी जाएंगे हम। सुबह यूनिवर्सिटी मेरी जो 8 बजे वाली क्लास है वो है नहीं, तो 10 बजे क्लास स्टार्ट होगी, लेकिन सौरभ भैया के साथ चले जाएंगे यूनिवर्सिटी जल्दी 6:30 बजे। तो सुबह एक्सरसाइज के लिए भी अगर उठा गया तो जल्दी उठेंगे, नहीं तो सोते रहेंगे, 6:30 बजे ही चले जाएंगे सौरभ भैया के साथ। तो अभी रोटी बना ली है मैंने, रोटी बनाई थी सुबह के लिए, और अब सब्जी बना लेते हैं। तो देखते हैं अब क्या करते हैं, सब्जी बनाते हैं। तो आज मैं बना रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद सब्जी, मेरे हिसाब से 1 महीने बाद तो बना रहा होगा, क्योंकि सौरभ भैया सब्जी बना लेते हैं और जिनके साथ हम रहते हैं घर पे वो भैया सब्जी बना देते हैं, तो मेरे को सब्जी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बना बनाया मिल जाता और मैं खा लेता हूँ। तो आज कल सुबह जाना है हमने जल्दी यूनिवर्सिटी, इसीलिए मेरे को आज सब्जी बनानी पड़ेगी, क्योंकि सब्जी कोई बनी नहीं हुई अभी, जो बनी हुई थी वो ख़त्म होगी। और भैया भी गए हैं बाहर, सौरभ भैया भी बाहर गए हुए हैं, मैं घर पे अभी अकेला हूँ, तो मैंने सोचा सब्जी बना लेते हैं 8 बजे तक, और उसके बाद दूध पी लेंगे और अपना थोड़ा सा काम कर लेंगे और फिर सो जाएंगे। तो ये सब्जी बन रही है हमारी, वो कटा हुआ पनीर, तो मटर पनीर की सब्जी बना रहे हैं आज हम। ऐसे मेरे को बनानी नहीं आती तो यूट्यूब जिंदाबाद, यूट्यूब से देख के सब्जियाँ बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने दूध पी लिया और मैं जा रहा हूँ सोने। तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।